सतारगंज के किसान सेवा केंद्र पर किसानों की लंबी लाइनें लगी हैं। इस समय गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है, जिसको देखते हुए क्षेत्र के किसान एनपीके और डीएपी खाद के लिए सरकारी सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही किसान सेवा केंद्र के सामने लंबी लंबी किसानों की लाइनें लग रही हैं। सतारगंज के किसान सेवा केंद्र पर सुबह 4 बजे ही किसान लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं, लेकिन उनको गेहूं की बुआई के लिए डीएपी और एनपीके खाद नहीं मिल पा रही है। इधर पुरुष किसानों को खाद न मिलने के चलते किसानों की पत्नियां भी घर के कामकाज छोड़कर बड़ी लाइनों में लगी देखी जा सकती हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि किसान गेहूं की बुआई के लिए कितने परेशान हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि पहले कभी खाद खरीदने में इतनी परेशानी नहीं होती थी, इस बार काफी परेशानी हो रही है। इस समय गेहूं बोने का और बगैर खाद के गेहूं की फसल कैसे बोई जा सकती है, ये सोच सोच के किसान काफी परेशान है। वहीं भाजपा की केंद्र सरकार ने खाद मंत्री ने कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि देश में खाद की कोई कमी नहीं होगी, उसके बाद भी सितारगंज में लोगों का आधार कार्ड दिखाकर भी खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक है, जिम्मेदार कौन है? एक एक किसान घरों से आके यहाँ पर लाइन में लगे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप जवाब दीजिए कि दिक्कत कहाँ है। हमारा लगता है पूरा सिस्टम ही खराब है। पहले जैसे नोटबंदी में लाइनें लगवा के लोगों को मार दिया, कभी यहाँ पे जीएसटी में लाइन लगाते हैं, कभी नोटबंदी में लगा देते हैं लाइन, कभी खाद की लाइन, कभी मंडी में जाते हैं वहाँ पर धान तुलाने के लिए लाइन है। हर जगह सरकार ने लाइनें लगवा दी, तो इनको जिम्मेदार अधिकारी भी यहाँ के बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि लोगों को जिनको खत्म होना चाहिए लाइन में क्यों लगा रखा है। यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, एक साल होने जा रहा है, 26 तारीख को किसान आंदोलन का एक साल हो जाएगा। ये सरकार इतनी ज़्यादा झूठी सरकार है, इतनी ज़्यादा नालायक सरकार बैठी है, किसी वर्ग के लिए भी उन्होंने काम नहीं किया, ना व्यापारियों के लिए किया, ना मजदूरों के लिए किया, ना महिलाओं के लिए किया, ना किसानों के लिए किया। इसको जवाब देना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति देश में पैदा करती है। कॉर्पोरेट के लिए सब चीज़ खुली हुई है, कॉर्पोरेट के लिए पूरे इनके बैंकें भी खुली हैं, करोड़ों रुपए लेके व्यापारी भाग जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान अगर 20,000-30,000 का उस पर लोन हो जाता है, उसको उठा के जेल में भाग देते हैं, सलाह में डाल देते हैं, और यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए लेके भागे, उनके पीछे कोई नहीं गया, देश से बाहर उन्होंने भगाने में मदद की है। ये स्थिति सरकार की है, लोगों से हम कहेंगे कि सरकार की जो स्थिति है बहुत गलत स्थिति है, इनकी किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, और इनको सरकार को जो है ऐसी सरकार को नालायक सरकार हटाना चाहिए जो हमारे लोगों के लिए काम नहीं करती।